आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। एससी एसटी अधिनियम में संशोधन के विरोध में कुछ छुटपुट घटनाओं को छोड़कर राज्य में बंद शांतिपूर्ण रहा। सवर्ण समाज के आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री की अपील, शांतिपूर्ण तरीके से सुनी जाएगी सभी की बात। उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध करार देने वाली धारा 377 के दंडात्मक प्रावधान को आंशिक रूप से हटाया। और मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना का लाभ सीबीएसई बोर्ड की 12वीं में 80% अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को भी मिलेगा। अब समाचार विस्तार से। एससी एसटी अधिनियम में संशोधन के विरोध में आज बंद के आह्वान के बीच प्रदेश में कुछ छुटपुट घटनाओं को छोड़कर माहौल शांतिपूर्ण और नियंत्रण में रहा। अशोकनगर में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर रेल आवागमन को बाधित करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने शीघ्र ही स्थिति पर नियंत्रण पा लिया। वहीं मुरैना में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच मामूली झड़प हुई। उधर शहडोल में प्रदर्शनकारियों पर हल्का बल प्रयोग किया गया। कटनी में बंद के दौरान जनपद पंचायत अध्यक्ष कन्हैया तिवारी ने अपनी पार्टी भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बंद को देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। प्रदेश के कुछ हिस्सों में धारा 144 लागू की गई है। राजधानी भोपाल में ज्यादातर बाजार बंद रहे। सड़कों पर भी शांति बनी रही है। राजधानी के सभी सीबीएसई स्कूलों में आज एहतियातन अवकाश घोषित कर दिया गया था। हालांकि व्यावसायिक प्रतिष्ठान ज्यादातर स्वेच्छा से बंद रखे गए थे। पेट्रोल पंप भी आज बंद रहे। राजधानी भोपाल के किसी भी हिस्से से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। सागर, विदिशा, छिंदवाड़ा और सिवनी में स्वेच्छा से व्यापारियों ने बाजार बंद किए। यहां भी प्रशासनिक अमला अतिरिक्त सुरक्षा बल के साथ सड़कों पर तैनात रहा। बंद के प्रति संवेदनशील क्षेत्र भिंड, ग्वालियर, मुरैना और शिवपुरी में लगभग सभी बाजार बंद रहे। सभी स्थानों पर चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद थी। तीनों ही क्षेत्रों में 2 अप्रैल को हुए बंद के दौरान फैली हिंसा के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। अतिरिक्त सुरक्षा बल सड़कों पर तैनात रहा। उधर प्रदेश के आदिवासी बहुल जिले झाबुआ और अलीराजपुर में भी सवर्णों के बंद के दौरान सभी बाजार लगभग बंद रहे। करीब 85% से ज्यादा आदिवासियों वाले इन दोनों जिलों में भी व्यवसायियों ने स्वेच्छा से बाजार बंद रखा। सतना में भी बंद शांतिपूर्ण रहा। स्कूलों में भी बच्चों की मौजूदगी कम देखी गई। शिवपुरी में भी बाजार, पेट्रोल पंप, स्कूल सभी बंद रहे। रायसेन में कई स्थानों पर लोग सड़कों पर एकत्रित हुए, लेकिन तनाव जैसी कोई स्थिति पैदा नहीं हुई। प्रदेश के हरदा और खंडवा में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा थी। इसके मद्देनजर दोनों ही स्थानों पर बंद को देखते हुए सुरक्षा के बेहद मजबूत इंतजाम किए गए थे। ग्वालियर में भी शांतिपूर्ण तरीके से बंद को समर्थन दिया गया। वहीं जबलपुर, बैतूल, उमरिया, अशोकनगर, धार, छतरपुर, उज्जैन, बीना, सीहोर, अनूपपुर, बड़वानी सहित अन्य जिलों में भी शांतिपूर्ण तरीके से बंद को समर्थन दिया गया। प्रदेश में सवर्ण समाज के आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसी को अगर कोई समस्या है तो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखे, सभी की बात सुनी जाएगी और समाधान का प्रयास होगा। श्री चौहान ने आज अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान खंडवा में पत्रकारों से चर्चा करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि हर समाज के गरीबों के लिए, चाहे वो किसी भी वर्ग या समाज का हो, उसे आगे लाना भी राजधर्म है। श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने समाज के हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित किया है। सबको साथ लेकर चलना ही हमारा उद्देश्य है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई है। इस योजना के तहत अशोकनगर के दूर अंचल के गांव मुख्य सड़कों से जुड़ गए हैं, जिससे वहां के रहवासियों का जीवन और सरल हो गया है। जिले के पनिहाई गांव के युवा अब मुख्य सड़कों तक आसानी से आ जाते हैं। वो एम्बुलेंस भी गाँव पहुंचने लगी है। यहीं के रहने वाले एक किसान बता रहे हैं कि पहले फसलों को बेचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब सड़कों के बन जाने से काफी सुविधा हो गई है। फ़ायदा हुआ है। पहले हम खेती नहीं कर पाते थे, कई समय पे हार्वेस्टर नहीं पहुंच पाता था, हार्वेस्टर पहुंच जाता है, हम भी पहुंच जाते हैं आधी रात को। और हमारा जैसे माल निकलता है, फसल निकलती है, तो ट्रक पहुंच जाते हैं, बहुत फ़ायदा है। अपनी 108 जननी है जो पहुंच जाती है, और भी कोई दिक्कत आती है, जैसे कोई बीमार हो जाता है तो तुरंत साधन पहुँचता है, तुरंत आधी रात को भी हम निकल जाते हैं। नहीं, पहले डर लगा रहता था कैसे निकलेंगे कैसे नहीं, रात हो रही है, पानी गिर रहा है।
वहीं गांव के ही दुकान संचालक राम नारायण ने बताया कि सड़क की वजह से लोग किसी भी वक्त दुकान पर सामान लेने आ जाते हैं। प्रधानमंत्री योजना ये ठीक है, मतलब सड़क जो मतलब बन गई है तो हम गांव तक आ सकते हैं, हमारे बच्चे भी आ सकते हैं स्कूल के लाने। ग्राहक जो 5 किलोमीटर अंदर से नहीं नहीं आते थे वो जहाँ पे आ जाते हैं, पहले नहीं आ पाते वो अब आ जाते थे, पहले सड़क नहीं थी इसलिए उस कारण नहीं आ पाते। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध करार देने वाली भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के दंडात्मक प्रावधान को आंशिक रूप से हटा दिया है। न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने व्यवस्था दी है कि 158 साल पुराने औपनिवेशिक कानून के कुछ अंश दंडात्मक प्रावधान के तहत नहीं आते। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के उन अंशों को मनमाना बताया जिनके तहत सहमति से अप्राकृतिक यौन संबंधों को अनुचित ठहराया गया है। संविधान पीठ ने न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा शामिल हैं। पीठ ने धारा 377 को ये कहते हुए हटा दिया है कि इससे समानता के अधिकार का उल्लंघन होता है। न्यायालय ने कहा कि पशुओं और बच्चों के साथ अप्राकृतिक यौन संबंधों के बारे में धारा 377 के अन्य सभी पहलू लागू रहेंगे। केंद्रीय नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा है कि भारत में नौकरियों के मामले में मोबिलिटी नया अवसर होगा। आज नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक मोबिलिटी शिखर सम्मेलन मूव के बारे में जानकारी देते हुए श्री कांत ने कहा कि मोबिलिटी का अर्थ यातायात के विभिन्न साधनों के बीच सुचारू समन्वय स्थापित करना है। श्री कांत ने तेल आयात घटाने, वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने और सार्वजनिक वाहनों की संख्या बढ़ाने की जरूरत पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि हमारे सामने पहली चुनौती 2-व्हीलर और 4-व्हीलर को से चलाने की है। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना का लाभ अब उन विद्यार्थियों को भी मिलेगा जिन्होंने सीबीएसई सिलेबस के तहत 12वीं में 80% अंक हासिल किए हैं। खंडवा में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा करते हुए कहा कि पूर्व में 85% की सीमा को घटाकर 80% कर दिया जाएगा। श्री चौहान ने खंडवा में 500 बिस्तर के अत्याधुनिक अस्पताल को खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने बताया कि साल 2019 में सिवनी, छतरपुर और सतना में मेडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने छात्र सौरभ पटेल और छात्रा प्रीति मिश्रा को मौके पर ही मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना से लाभान्वित किया। वहीं जावर में मुख्यमंत्री ने 466.91 करोड़ लागत की जावर माइक्रो सिंचाई योजना का शिलान्यास भी किया। इस योजना से 53 गांवों के 20,000 किसानों की 26,000 हेक्टेयर कृषि भूमि पर सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह भी मौजूद थे। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के 17 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। कई हिस्सों में आज सुबह से ही बादल छाए रहे। राजधानी भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश हुई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर के गीता मानस भवन में सांस्कृतिक संस्था सांझी संस्कृति द्वारा राज्य स्तरीय देशभक्ति गीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ग्वालियर में कल ट्राइफेड द्वारा आदि महोत्सव हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में करीब 70 जनजातीय कलाकार और उनकी कलाकृतियों का प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस कमेटी के चुनाव समिति के अध्यक्ष सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया उमरिया जिले के मानपुर तहसील में आयोजित परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। SC/ST अधिनियम में संशोधन के विरोध में कुछ छुटपुट घटनाओं को छोड़कर राज्य में बंद शांतिपूर्ण रहा। सवर्ण समाज के आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री की अपील, शांतिपूर्ण तरीके से सुनी जाएगी सभी की बात। उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक संबंधों को अपराध करार देने वाली धारा 377 के दंडात्मक प्रावधान को आंशिक रूप से हटाया और मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना का लाभ CBSE बोर्ड की 12वीं में 80% अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को भी मिलेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।